सो गाइस आज है हमारे पास में रेडमी का रेडमी 11 प्राइम 5G। और गाइस इसके मैं कुछ आपको अमेजिंग फीचर्स बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना। और गाइस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे आपको रिलेटेड बहुत सारी वीडियो इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। यदि आपको अनबॉक्सिंग या फिर कैमरा टेस्ट वाली वीडियो देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और इसके मैं आपको अमेजिंग फीचर्स दिखाता हूँ, काफ़ी कमाल के फीचर्स इसमें है। तो गाइस फर्स्ट फीचर्स की बात करें तो आपको अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेना है, तो स्क्रीनशॉट के आपको थ्री फिंगर्स इस तरह से नीचे करेंगे आप, तो इस तरह से स्क्रीनशॉट निकल जाती है। और गाइस आपको इस तरह से नहीं निकालना है तो आप ये वॉल्यूम बटन और ये आपकी पावर बटन को प्रेस करेंगे तो इस तरह से भी निकल जाती है। अब गाइस इसके बाद में एक और ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि आप थ्री फिंगर, ये वाली थ्री फिंगर से इस वाले फोन को इस तरह से रखेंगे, करके रखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। अब अपने हिसाब से आप शेप बना सकते हैं, यहां से इतना बड़ा चाहिए या फिर यहां से आप गोल करना चाहते हैं, इस तरह से आप अपनी मर्जी से यहां से आप कर सकते हैं गोल वगैरह। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो गाइस यहां से आपको दो एप्लीकेशन में काम करना है एक साथ में, जैसे कि ये एक एप्लीकेशन हो गया, दो ये हो गया, अब इसके आपको दोनों एक साथ एप्लीकेशन को यूज करना है। तो गाइस इसे प्रेस करिएगा और आपको ये वाली बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन आता है, इसमें आप क्लिक कर लेना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप मैसेज में क्लिक करूंगा, ये मैसेज हमारी ओपन हो जाएगी, आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ से। अब इसे आपको हटाना है या फिर नीचे ऊपर करना है तो ये भी कर सकते हैं आप, बड़ा छोटा, आप इसे छोटा बड़ा भी यहाँ पर साइड में भी कर सकते हैं। तो गाइस काफी कमाल का एक और फीचर देखने को मिलता है, जैसे कि हम दो एप्लीकेशन यूज करना है तो देखो हमने ये एप्लीकेशन ओपन किया मैसेज वाला, ये मैसेज ओपन हो गया। अब गाइस मैं बैक आ गया, अब इसके बाद में मैंने ये गैलरी ओपन कर लिया। अब गैलरी में गए हम, अब हमें पिछले वाले एप्लीकेशन में जाना है एकदम से, तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे ये प्रीवियस बटन में, इसे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप पहले वाले एप्लीकेशन में चले जाते हैं। अब गाइस अगली फीचर्स की बात करें तो आपको यहाँ पर अपने फोन की सेटिंग में आ जाना है, जैसे कि मैं सेटिंग में क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ से सेटिंग पर क्लिक कर लेना। अब सेटिंग में आपको भर भर के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, मैं आपको ऊपर से यहाँ पर स्टार्ट से बताऊंगा एंड तक। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लॉक स्क्रीन वाला, लॉक स्क्रीन ऊपर क्लिक करना, राइज टू बैकअप वाला। अब इसमें क्लिक करेंगे आप तो आपका जो फोन है ऐसा कहीं पर भी बंद पड़ा रहेगा और आप इस तरह से हिलाएंगे अपने फोन को, कैसे ऐसे कि मेरा अभी जो फोन बंद है और मैं इसे इस तरह से करता हूँ तो ये मेरा फोन ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है। मतलब कि हमारा फोन जेब में रखा है बंद रहे और हम ऐसे इस तरह से निकालेंगे तो ये जो हमारा फोन है ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। तो गाइस इसे आप ऑन कर सकते हैं यहाँ से। अब गाइस यहाँ पर एक और ऑप्शन है डबल टैप टू बैकअप वाला, मतलब कि आपको इसे चालू करने के बाद में आपका जो फोन है और ऐसे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका फोन चालू हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन है बैकअप लॉक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, जैसे कि आपका फोन कहीं पर भी रखा है और ऑटोमेटिकली कोई नोटिफिकेशन आती है तो आपका जो फोन है ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है, जिससे कि आपकी बैटरी बहुत ज्यादा खपत होती है। तो गाइस इसे आपको सिंपली बंद कर देना है, अब इसके बाद में नोटिफिकेशन भी आएगी तो आपका जो फोन है चालू नहीं होने वाला है। इसके नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद में लॉक स्क्रीन फॉर्मेट ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप यहां से अपने हिसाब से ऐसे चूज कर सकते हैं लॉक स्क्रीन में कुछ इस तरह से। अभी आप देखेंगे मैंने ये अपने फोन को बंद कर दिया और इस तरह से अभी आप देखेंगे ये क्लॉक है, ये वाली जो विजिट देखने को मिल रही है आप इसे चेंज कर सकते हैं यहां से अपने हिसाब से, आप क्लिक कर लीजिएगा इसमें। अब आप सेंटर में करना चाहते हैं सेंटर में हो सकती है, राइट में, लेफ्ट में, सेंटर में, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब गाइस एक और अमेजिंग फीचर यहां पर आप देखने को मिलता है लॉक स्क्रीन इन्फॉर्मेशन। गाइस यहां पर आप क्लिक करेंगे, यहां पर आप अपना नंबर दे सकते हैं, अपना फोन नंबर डाल सकते हैं या फिर आप अपना नाम वगैरह डाल सकते हैं यहां पर। तो गाइस इससे क्या होगा मैं आपको बता दूं, जैसे कि अभी ये फोन मेरा बंद है और चालू करने के बाद में यहाँ पर आपको कहीं पर भी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, जैसे कि हमारा फ़ोन कभी चोरी वगैरह हो गया तो गाइस यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा एक ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि ये वाला है ऑनर इन्फो वाला। जैसे कि यहाँ से मैं अपना नंबर वगैरह डाल दूंगा, जैसे कि मैं यहाँ से डाल देता हूँ कुछ भी, हेलो करके लिख देता हूँ, तो आपको यहाँ पर जो भी लिखना चाहते हैं आप बोल लिख सकते हैं, मैंने हेलो करा और ये ऑन कर दिया मैंने और ओके कर दिया। अब गाइस इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हेलो करके यहाँ पर देखने को मिल गया है। अब जैसे कि आपका फ़ोन चोरी वगैरह हो जाता है तो आप यहां पर नंबर डालेंगे तो वो सामने वाला आपको भला बंदा होगा तो कॉल कर सकता है और आपका जो फोन है वो लौटा सकता है। तो यहां पर आपको ओनर इंफॉर्मेशन डाल लेना है, यहां से आप अपने हिसाब से जो भी डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं यहां से। गाइस बैक आइएगा, गाइस यहां पर एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा लॉन्च कैमरा। गाइस यहां पर आपको जैसे कि फोन आपका बंद है और आप ये वॉल्यूम बटन को डबल प्रेस करेंगे तो आपका जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। मैं आपको ओपन करके बता देता हूं, ये मैंने ऑन कर दिया, अब इसे मैं बंद कर देता हूं। अब ये जो हमारी वॉल्यूम बटन है नीचे वाली, इसे डबल
प्रेस करना नीचे वाली बटन को, जैसे कि मैं करके बता देता हूँ आपको। मैंने ये प्रेस कर दिया और जो हमारा कैमरा है वो यहाँ से देख सकते हैं वो ऑन हो चुका है। तो गाइस काफी कमाल का फीचर था ये वाला भी, आप जरूर ट्राई करिएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन देखने को मिलता है पॉकेट मोड। ये वाले ऑप्शन का ये काम है जैसे कि आपका फोन अपने पॉकेट में रखा हुआ है और आप नहीं चाहते कि वो बार बार ऑन हो और या फिर कोई नोटिफिकेशन आती है तो वो चालू हो जाता है, तो कोई भी कुछ भी चीज या किसी का भी कभी कभी फोन लग जाता है, तो यहाँ पर आके इसे ऑन कर दीजिएगा आप। अब ऑन करने के बाद में आपका फोन अपनी जेब में रहेगा, ये तो ये ऑटोमेटिकली टच नहीं होने वाला है। गाइस इसके बाद में आपको बैक आना है। बैक आने के बाद में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि डिस्प्ले पर क्लिक करिएगा। अब डिस्प्ले पर आने पर यहाँ पर आप देखेंगे डार्क मोड, यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं, ये तो सभी को मालूम है। बट गाइस मैं आगे आपको बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे फीचर्स बताने वाला हूँ, वीडियो में बस बने रहिएगा आप। गाइस यहाँ पर आप देखेंगे शेड्यूल डार्क, मतलब कि आपको इस डार्क मोड को शेड्यूल करना है, जैसे कि शाम को हमको चाहिए डार्क मोड, दिन में नहीं चाहिए, तो यहाँ से आप कस्टम वगैरह कर सकते हैं, अपने हिसाब से टाइम वगैरह भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से आप यहाँ से। अब गाइस इसके बाद में आप बैक आइएगा। बैक आने के बाद में यहाँ पर मैं इसे लाइट मोड में क्लिक कर लेता हूँ। अब लाइट मोड में करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे मोर डार्क मोड ऑप्शन, अब इसमें आप क्लिक करिएगा। अब जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडजस्ट वॉलपेपर, मतलब कि आप डार्क मोड में करेंगे तो आपका वॉलपेपर डार्क मोड में हो जाएगा, और एडजस्ट टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड, मतलब कि जो आपके टेक्स्ट वगैरह होते हैं जो बैकग्राउंड है वो भी डार्क मोड में हो जाएगा। यहाँ से आप अपने हिसाब से ऑप्शन में क्लिक करके कर सकते हैं इसे एडजस्ट वगैरह। अब गाइस इसी के नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलता है रीडिंग मोड वाला, अब यहाँ पर क्लिक करना, जैसे कि आई कम्फर्ट वाला ये मान के चलो, जैसे कि नाइट वगैरह में आप अपनी वीडियो देख रहे हैं या फिर आप पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, लाइट आपकी आंखों में बहुत तेज पड़ती है, तो इसे आप ऑन कर लेते हैं तो देखिए आपकी जो आंखों में ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसके बाद में आप इसे देखेंगे यहाँ पर शेड्यूल भी लगा सकते हैं आप कि ये नाइट में ऑटोमेटिकली रीडिंग मोड ऑन हो जाए करके, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। बाकी आप बैक आइएगा। बैक आने के बाद में यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा कलर वाला, कलर में आप क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ से आप वाइब्रेंट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से अपने हिसाब से भी कलर वगैरह जो आपका स्किन का कलर होता है वो सेट कर सकते हैं। तो गाइस आप बैक आना, और बैक आने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे एक और ऑप्शन है यहाँ पर आपको रिफ्रेश रेट का, जैसे कि इसमें 90 Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है, अभी आपको स्टैंडर्ड ये आपको 60 Hz में रहेगा, आप इसे 90 Hz में करना चाहते हो तो ये 90 Hz हो गया है। अब इसके बाद में आप देखेंगे आपका जो फोन है बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगा, इस तरह से अभी आप देख सकते हैं कोई भी लैग वगैरह और बहुत ज्यादा स्मूथनेस चलाने में समझ में आती है आपको। बैक आइएगा। अब गाइस यहाँ पर आप नीचे आना, और नीचे आने के बाद में एक और ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि है कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर एंड स्टेटस बार, आप सिंपली इसमें क्लिक करना। अब गाइस यहाँ पर आप देखेंगे आपको 100 नोटिफिकेशन आइकन बार, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारी नोटिफिकेशन आती है, आप इसे आप बंद करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, आप इसे सिंपली क्लिक करना ये बंद हो जाएगी। यहाँ पर देखेंगे कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो कोई भी आइकन वगैरह दिखते हैं, अब इसे आप बंद कर देंगे तो आइकन वगैरह नहीं दिखेंगे, आप इसे चालू कर लेंगे तो ये अभी आप देखेंगे ये वाले आइकन दिखने लगे हैं इसे चालू करने के बाद में। अब गाइस इसी के नीचे आप देखेंगे सो कनेक्शन स्पीड, जैसे कि गाइस आप नेटवर्क वगैरह यूज करते हैं, नेट चलाते हैं, नेट चलाते टाइम यहां पर आप देखेंगे यहां पर आ जाएगा, अभी मैंने इसमें सिम वगैरह नहीं डाला है। अब यहां पर आप देखेंगे नेट चलाएंगे तो आपको यहां पर स्पीड शो करेगा, आपकी इंटरनेट स्पीड जो भी आएगी यहां से वो शो करने वाला है, कितनी MBPS खर्च हो रही है, कितनी KBPS यहां से खर्च हो रही है, वो यहां पर आपको स्पीड दिखाने वाली है। गाइस इसके बाद में आपको नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद में यहां पर एक और ऑप्शन है जो कि है करियर नेम, इसमें आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी सिम का नंबर या नेम वगैरह यहां से सेव कर सकते हैं सिम 1 सिम 2 में। अब इसे आप बैक करना, और बैक आने के बाद में यहां पर आप देखेंगे बैटरी इंडक्टर, आप बैटरी इंडक्टर पर क्लिक करेंगे और आपको बैटरी का जो स्टाइल है आप यहां से अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब यहां पर आप नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद में ये ऑप्शन है हाइड नॉच वाला, इसमें क्लिक करना, आप अपने हिसाब से आप नॉच वगैरह हाइड करना चाहते हैं, जैसे कि ये अभी आप देखेंगे ये वाला में है, इसमें आप क्लिक कर लेंगे तो आपकी जो नॉच है यहां से आप देखेंगे हाइड हो चुकी है। तो गाइस बैक आना, बैक आने के बाद में और ऑप्शन आपको मैं बताऊंगा, काफी कमाल कमाल के फीचर्स बताने वाला हूं। बस वीडियो में आप यहां तक बने हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, और अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए मैं लेके आता रहता हूं। चलिए आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे इसकी नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर, गाइस यहां पर क्लिक करिएगा। अब क्लिक करने के बाद में आपको ये जो नया वाला स्टेटस बार है ये देखने को मिल रहा है, यदि आपको ये वाला पसंद नहीं है और आपको पुराना वाला चाहिए तो इसमें आप क्लिक करना ये पुराने वाले में। अभी आप देखेंगे कुछ इस तरह से पुराना वाला हमारा स्टेटस बार आ चुका है, यदि आपको वापस से नया वाला करना है तो इसमें न्यू वाले वर्जन पे क्लिक करना तो ये जो हमारा नया स्टेटस बार है कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो गाइस इस तरह से आपको काफी कमाल के फीचर्स इसमें मिलते हैं। बाकी आपको यहां पर आप देखेंगे ये लॉक स्क्रीन और फ्लोटिंग विंडो, जैसे आप यहां पर लॉक स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो लॉक स्क्रीन में कौन से एप्लीकेशन में आपको नोटिफिकेशन चाहिए या नहीं चाहिए या फिर आपको बंद करना है यहां से तो आप बंद कर सकते हैं। बाकी आप बैक आना और
यहाँ पर आप देखेंगे अब एक और ऑप्शन आपको देखने को मिलता है नोटिफिकेशन सेट्स वाला, तो गाइस इसमें क्लिक करिएगा आप। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे आपको नोटिफिकेशन की जो स्टाइल है MIUI में चाहिए या फिर एंड्रॉयड में चाहिए, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे मैंने MIUI पर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ये चेंज हो गया आइकन वगैरह, और मैं जैसे ही एंड्रॉयड में क्लिक कर देता हूँ तो एंड्रॉयड में इस तरह से चेंज हो जाता है ये आइकन, यहाँ पर देख सकते हैं आप। नोटिफिकेशन वाली या कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो ये MIUI के स्टाइल में आएगी, जैसे कि अभी आप देखेंगे यहाँ पर MIUI के स्टाइल में ये देखने को मिल रहा है। अभी हम इसे एंड्रॉयड में क्लिक कर देंगे, अब कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बाकी आप बैक आना, बैक आने के बाद में यहाँ पर एक और ऑप्शन है होम स्क्रीन वाला। अब होम स्क्रीन पर क्लिक करिएगा आप और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे गाइस आपको यहाँ पर होम स्क्रीन पर जैसे क्लिक करते हैं तो गाइस यहाँ पर आपको एक ड्रॉवर चाहिए, जैसे कि मैंने ये बंद करा, और आप इस तरह से मेन्यू बटन चाहते हैं या फिर आपको यहाँ पर मेन्यू में इस तरह से एप्लीकेशन बस चाहते हैं वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे कि सेटिंग में जाना है आपको और यहाँ पर आप देखेंगे क्लासिक पर क्लिक कर लेंगे आप, तो क्लासिक में करने के बाद में आप ये कोई भी मेन्यू यहाँ से आने वाली नहीं है, आपको सारे के सारे एप्लीकेशन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब यदि आप चाहते हैं कि ड्रावर यहाँ से नीचे करूँ मैं और एप्लीकेशन आ जाए, तो यहाँ पर वापस से आपको वहीं पर जाना है और फिर ड्रावर पर क्लिक कर लेना है। अगले फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे एडिशनल सेटिंग, इसमें आप क्लिक करिएगा एडिशनल सेटिंग में। अब क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे अपनी जो मेमोरी है, मेमोरी को आप बढ़ाना चाहते हैं 1 GB आप मेमोरी यहाँ से बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अभी आपकी 4 GB रैम है, आप उसे बढ़ाकर 1 GB तक और बढ़ा देंगे तो आपकी जो 5 GB रैम हो जाएगी। तो गाइस यहाँ से आपको बढ़ाने के लिए इसे आपको क्लिक करना है और आपको अपने फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट कर लेना है, तो आपका जो मेमोरी है वो 1 GB और बढ़ जाएगी। बाकी आप यहाँ से बैक आएंगे, बैक आने के बाद में यहाँ पर एक और ऑप्शन है वन हैंड मोड वाला, इसमें आप क्लिक करेंगे तो आप गाइस यहाँ देखेंगे मैं इसे ऑन कर देता हूँ, तो क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे बैक आइएगा, कोई भी एप्लीकेशन को आपको एक हाथ से चलाते नहीं बन रहा है। आपको ये सेंटर वाली बटन है मेन्यू बटन, इसमें आप क्लिक करना है और इस तरह से कर दीजिएगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारा वन हैंड मोड है वो ऑन हो गया है। अभी आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करेंगे वन हैंड में यूज कर सकते, जैसे कि मैंने ये मैसेज ओपन करा और मैं से अब ये ऊपर वाला टच नहीं हो रहा है, यहाँ से कोई टच नहीं हो रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ से मैं इस तरह से करूंगा तो ये एक हाथ में वन हैंड वाला जो फीचर्स है वो आ जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं अब ये हमारा जो फोन है वन हैंड में हो गया है। गाइस बैक आ जाइएगा सेटिंग में, आप सेटिंग में आने के बाद में बैक यहाँ पर आप देखेंगे और ऑप्शन देखने को मिलते हैं काफी कमाल कमाल के। जैसे कि गाइस यहाँ पर आप देखेंगे डिजिटल वॉल्विंग का ऑप्शन है, इसमें आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से देखेंगे डिजिटल वॉल्विंग। आप ये क्या काम करता है मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप शो डाटा पर क्लिक करेंगे यहाँ से, अब आपने कौन सा एप्लीकेशन कितने टाइम चलाया है, कितना यूज किया है, वो सारा कुछ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आपने कैमरा कितनी देर यूज किया है, आपने कौन सा एप्लीकेशन कितने टाइम तक यूज किया है, सारा कुछ आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप बैड टाइम लगा सकते हैं, यहाँ से ऑटोमेटिकली वो एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, जितना टाइम आप लगाएंगे ऑटोमेटिकली उतने टाइम के बाद में वो एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, यहाँ से आप सेट कर लीजिएगा। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो करके मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ आपको। अब देखेंगे इसके नीचे एक और ऑप्शन है स्पेशल फीचर्स वाला, इसमें आप क्लिक कर लीजिएगा। इसमें क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे गेम मोड का एक ऑप्शन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था गेम मोड में आपको काफी कमाल के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इसमें आप गेम खेलते टाइम इसे ओपन करना और अपने फोन को स्मूथ एंड लैग फ्री बना सकते हैं आप, इससे आपका जो परफॉर्मेंस है और ज्यादा हो जाएगा। इसके नीचे एक और ऑप्शन है वीडियो टूल बॉक्स वाला, इसमें आप सिंपली क्लिक करना, वीडियो टूल शॉर्टकट को आप ऑन कर लेना और ऑन करने के बाद में आप देखेंगे ऐप को क्लिक करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने YouTube में क्लिक कर लिया, अब मैं आपको YouTube में जाके बता देता हूँ इसका क्या यूज है। अब जैसे कि YouTube में आ गए हम, अब जैसे कोई गाना वगैरह चल रहा है और हमें बैकग्राउंड में भी यूज करना है इसे, तो अब इसमें आप देखेंगे यहाँ पर राइट साइड में इसे आप इस तरह से करेंगे तो इतने सारे ऑप्शन आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ये वाला ऑप्शन है, इसमें आप जैसे क्लिक कर लेते हैं तो आपका जो गाना है वो बैकग्राउंड में भी चलने लगेगा। और गाइस यहाँ से आप देख पाएंगे बहुत सारे ऑप्शन भी आ जाते हैं, यहाँ से आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करना चाहते हैं तो वो भी डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, बस इसे इस तरह से करना है। और अब मैं गैलरी ओपन करूंगा तो ये गैलरी हमारी यहीं पर ओपन हो जाएगी इस तरह से। अब इसे आपको बंद करना है तो आप इस तरह से करिएगा, ये बंद हो जाएगी। अब गाइस बैक आना, आप बैक आने के बाद में वो हम सेटिंग में आ जाते हैं। बैक आने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे लाइट मोड का एक और ऑप्शन है, इसमें जैसे आप क्लिक करते हैं तो जो आपका फोन है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है चलाने में, आपके जो फीचर्स हैं काफी कमाल कमाल के
आपके जो फीचर्स हैं वो थोड़ा सा लाइट में आ जाते हैं। जैसे कि मैं आपको चालू करके दिखा देता हूँ, यहाँ से टर्न ऑन पर क्लिक करना, अब देखेंगे आपका जो फोन है लाइट वर्जन में आ जाएगा, आप इजी हो जाता है, जो हमारा एप्लीकेशन है बड़े बड़े दिखने लगते हैं यहाँ से, और इसमें आपकी जो बैटरी है वो भी कम कंजप्शन होता है इससे। अब गाइस इसे आपको हटाना है तो वापस से आपको वहीं पर आना पड़ेगा, आपको लाइट मोड वाले ऑप्शन में, यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट मोड में इतने बड़े बड़े आपको देखने को मिल रहे हैं, बाकी आप इसमें क्लिक करना और जो पहले जैसे आपको टर्न ऑफ करना है तो यहाँ पर टर्न ऑफ कर दीजिएगा, ये टर्न ऑफ हो जाएगा, जो आपका नॉर्मल फोन होता है वो नॉर्मल फोन में आपका फोन बदल जाने वाला है। अब गाइस यहाँ पर आप देखेंगे कैमरे का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पर आप कैमरे पर क्लिक करना और कैमरे में भी काफी कमाल के फीचर्स देखने को मिलते हैं आपको यहाँ पर, जैसे कि आप पोर्ट्रेट हो गया, वीडियो हो गया, और आपको मेन यहाँ पर आप देखेंगे नाइट मोड मिल जाता है। यदि आपको डेडिकेट आपको 50 मेगापिक्सल का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, या फिर आपको शॉर्ट वीडियो बनाना है तो आप यहां से शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं, या फिर आपको पनोरामा वाला एक ऑप्शन देखने को मिलता है कुछ इस तरह, बहुत सारी बहुत बड़ी जगह में आप बड़ी जगह कैप्चर करना चाहते हैं तो पनोरामा में क्लिक करना, या फिर आप डॉक्यूमेंट वगैरह की फोटो लेना चाहते हैं तो आप डॉक्यूमेंट में क्लिक करना तो आप डॉक्यूमेंट की फोटो वगैरह यहाँ से ले सकते हैं। अब बाकी वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो वीडियो हम लंबी नहीं करेंगे, और गाइस आज था हमारे पास में रेडमी 11 Prime 5G, और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।